मैं हमेशा कहता हूँ कि समझदार लोग तो 10-20-25 हजार में ही फंसे रहते हैं, और काम जब वही लोग होते हैं जो सरफिरे होते हैं। दोस्तों, करीब 2 घंटे पहले आपकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर रविंद्र रघुवंशी जी से मैंने कहा कि यार बच्चों को भूख लगी होगी, एक काम करते हैं आधे घंटे की ब्रेक दे देते हैं और इनको कुछ खिला देते हैं। तो सामने से जवाब पता क्या आता है, सर ये आपके बच्चे हैं। अरे काम जब इनकी भूख के लिए इतनी कई भूखें बर्दाश्त करने को तैयार थे। इसीलिए कहता हूं तलबे चाटकर नहीं चमके हैं, तलबे चाटकर नहीं चमके हैं, ये मेहनत वाली बात है। अरे कुछ दिल से वो चले गए और शेर मेरे साथ है। साइक्लोन सांप, सांप साइक्लोन सांप और संजय धीमान साधु, ये एक बार अगर आगे निकल जाए तो पीछे वापस नहीं आते। और समय फिर से कहना चाहूंगा, समंदर साइक्लोन साधु समय सांप और संजय धीमान एक बार अगर आगे निकल जाए तो दोस्त किसी भी हालात में पीछे वापस नहीं आते। आप लोगों ने कहा कि सब रिपीट कीजिए, वैसे तो मैं रिपीट करता नहीं कोई चीज जल्दी, इसी वजह से तो आंखों पे चश्मा आ गया, क्योंकि कीड़ा है कुछ नया करने का। जब पैदा हुआ था दिवाली के दिन पैदा हुआ था और उसी दिन हाथी पे बिठाया था तो हाथी वाला कह के गया था ये बंदा कुछ बड़ा करेगा। शायद इसीलिए कहता हूं कि तलबे चाटकर नहीं बने, तलबे चाटकर नहीं बने, ये मेहनत वाली बात है। कुछ दिल थे वो छोड़ गए, अरे मेरे शेर मेरे साथ है। कोई भी फील्ड हो, हर इंसान को इनाम चाहिए। गब्बर भी बार बार सांबा से पूछता था, अरे ओ सांबा कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर, अरे ओ सांबा कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर। अरे गब्बर को इनाम चाहिए था, हम तो बहुत ठाकुर हैं जो इनाम बांटते हैं यार। दोस्तों, मैं कॉलेज नहीं गया लेकिन मेरी खुद की एक यूनिवर्सिटी है और मैं हमेशा इस बात का सर्टिफिकेट देता हूं कि जो बंदा मेरी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर गया ना वो किसी के तलबे कभी नहीं जाता। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कोई बच्चा स्कूल में स्टडी करने के बाद पास होता है तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। वही बच्चे को जब डिग्री मिलती है तो उसको भी खुशी होती है, माँ बाप को भी खुशी होती है। उसी बच्चे को जब मनचाही जॉब मिलती है तो बड़ी खुशी होती है, और जॉब करने के बाद जब लोन सेंक्शन हो जाता है तो घर बनाने लगता है तो और खुशी होती है, और उस घर के सामने से लंबी कार खड़ी हो जाती है तो और खुशी होती है। खुशी बढ़ती जा रही है, खुशी का साइज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे उम्र बड़ी हो रही है खुशी का साइज बढ़ता जा रहा है। फिर उसी व्यक्ति की मन चाहे जब शादी हो जाती है तो और खुशी है। और एक नन्ना सा मुन्ना घर में आ जाए तो और खुशी होती है, लेकिन ये सब खुशियां छोटी हैं। इन खुशियों के सामने एक बहुत बड़ी खुशी है, वो है कि जब कोई व्यक्ति स्टेज पर आए और हजारों लोगों के बीच में हमें बुलाए उस स्टेज के लिए जिसके लिए दुनिया तरसती है, और वहां पर इनाम दे, वहां पे गिफ्ट दे, वहां पे अवार्ड दे हजारों लोगों के बीच, इससे बड़ी कोई खुशी होती है। और शायद इसी खुशी को पाने के लिए मोदी, योगी, एपीजे अब्दुल कलाम और सलमान खान और रामदेव बाबा ने शादी नहीं की।
नहीं गया, लेकिन मैं इतिहास बदलना चाहता हूं कि शादी किए बगैर तुम खुश हो, लेकिन मैं शादी करवा के खुश हूं। ये दो हस्तियां हैं कि जिन्होंने जिनको नवाजा गया पता कब, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन मैं लोगों को शादी करने के बावजूद स्टेज पे नवाजता हूं। इंडस्ट्री में किसी के पास करोड़ों की स्टेटमेंट है, किसी के पास उससे ज्यादा है, किसी के पास कम है। मेरे पास तो स्टेटमेंट का सहारा ही हुई है, क्योंकि अगर मैं उधर बिजी हो गया तो इनकी स्टेटमेंट कौन बनाएगा। इस नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्त आज मुझे 31 वर्ष हो गए घर से निकल गए, 16.5 साल की उम्र थी मेरी, यूं कहो साढ़े साढ़ा जो होता है ना गिनती नहीं आता, साढ़ू भाई होता है वही एक साढ़ू होता है, बाकी सब या तो कम होते हैं या तो ज्यादा होते हैं या तो 16 जैसा था। 17 रनिंग था, 16 साल की उम्र थी, घर से निकला था, बहुत धक्के खाए थे। लोग कहते हैं जब से हुई है शादी आपके गले पड़ी है, मैं कहता हूं जब से हुई है शादी मेरी निकल पड़ी है। पता क्यों? क्योंकि मेरे खानदान में नेटवर्क मार्केटिंग का एन, एमएलएम का एन, ड्रग सेलिंग का डी कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाने वाली मेरे बच्चों की मां मेरी लाइफ पार्टनर में से एक होती है। उसके लिए आपको पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, अरे अपनी औकात को इतना बड़ा कर दो कि तुम्हें लोग ढूंढते हुए। आर यू एक्साइटेड? मुझे लगता है कि वैसे तो सब लोग भरे पड़े हैं, कुछ तो अंदर ऐसे भी सोच रहे होंगे कब छोड़ेगा यार ये बोलिया, इस जन्म में तो मैं छोड़ने वाला हूं ही नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे मिलूंगा, मैं व्हाट्सएप पे मिलूंगा, मैं फेसबुक पे मिलूंगा, मैं यूट्यूब पे मिलूंगा, लेकिन मिलूंगा सर जगह। मैं तो क्या तारीफ करूं उसकी जिसने एम्पायर को बनाया, क्या तारीफ करूं उसकी जिसने एम्पायर को बनाया, क्या पैसों की कमी थी या किस्मत को आजमाया, ना पैसों की कमी थी ना किस्मत को आजमाया, अरे हम सबको हेल्दी बनाना था इसलिए एम्पायर को बनाया। दोस्त दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग सिर्फ इच्छा रखते हैं और कुछ लोग संकल्प लेते हैं। गाय जब एक बच्चा देती है, एक छोटा सा बच्चा जब दूध पीकर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो बछड़ा बनता है, फिर बैल बनता है, फिर धीरे धीरे वो सांड बन जाता है। इसी तरह जब इंसान की इच्छाएं धीरे 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 दृढ़ संकल्प में तब्दील हो जाती हैं, तभी इंसान करोड़पति बनता है दोस्त, तभी इंसान करोड़पति बनता है दोस्त। इच्छा रखने मात्र से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि मेरी इच्छा है कि मैं भी प्लेन में बैठूं तो वो इच्छा ही रहेगी, कभी जब तक वो दृढ़ संकल्प नहीं बनेगा तब तक प्लेन सिर के ऊपर से ही जाएगा, आप कभी प्लेन में नहीं बैठ पाओगे। इच्छा शक्ति, मैं आपको बताता हूं इच्छा क्या होती है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जब इच्छा खत्म हो जाती है जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन सिर्फ मात्र इच्छा रखने से कुछ नहीं होता जब तक दृढ़ संकल्प के पहिए उसमें नहीं लगते। ये इच्छा की जो गाड़ी है कहीं मंजिल पे नहीं पहुंचती। एक शॉर्टकट में कहानी बताना चाहूंगा कि एक गधा था, पूरा दिन भजन होता था, शाम को जब 5:30-6 बजे का टाइम होता था, उसका मालिक पूरा वजन उतारकर दो डंडे मारता था पीछे जब घास चरते हैं। जब वो पूरा दिन मेहनत किया हुआ गधा जब किसी कंपाउंड में घास चरने जाता था तो बाकी गधों को देखता था, बड़े खुश थे, मस्ती करते थे, डेंजू डेंजू करते थे, लेकिन ये मुंह लटका के नहीं कर रहा था। बोले क्या हुआ? बोले मैं मालिक से बड़ा दुखी हूं। बोले जब भी तू मिलता है तू मालिक की बुराई करता है। मैं बड़ा दुखी हूं। अगर इतना ही दुख है तो छोड़ दे मालिक को, देख हमारा कोई मालिक नहीं है, मस्ती से रहते हैं, मजे करते हैं, कोई वजन नहीं ढोते। अगर तुझे इतनी तकलीफ है तो छोड़ दे उसको। तो वो बता क्या कहते हैं, कहता बस एक उम्मीद है
और ये उम्मीद की वजह से मैं छोड़ दूंगा। बोले क्या उम्मीद है? बोले उसकी एक लड़की है, जब वो होमवर्क नहीं करती, पढ़ाई नहीं करती, तब उसको कहता है तू पढ़ाई नहीं करेगी तो तेरी किसी गधे से शादी कर दूंगा। तो मैं मन में यही इच्छा देकर बैठा रहता हूं किसी और गधे से क्यों, जब घर में ही गधा है। तो मुझे लगता है कि जब भी हम इच्छा रख के बैठिए कि कुछ हो जाए, तो समझ लेना उस गधे में और इस गधे में कोई फर्क नहीं। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं भी इच्छा लेकर आया था कि मेरे पास भी पैसे होंगे, गाड़ी होगा, घर होगा, बंगला होगा, दुनिया की सैर करूंगा। लेकिन दोस्त जब मार्केट में गया, लोगों ने नो बोला, ये नहीं चलता, कंपनियां भाग जाती हैं, पैसे डूब जाते हैं, इस इच्छा रूपी हथियार ने दम तोड़ दिया। अपलाइन के पास गया, मैंने कहा सर बताओ करना क्या है, कहते आया क्यों है, मैं कहा जिंदगी बदलने के लिए। तो सिर्फ इच्छा रखने से जिंदगी नहीं बदलती, दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है। दोस्त माउंट एवरेस्ट पे झंडा किसी इच्छा थारी ने नहीं गाड़ा था, माउंट एवरेस्ट पे झंडा किसी संकल्प थारी ने गाड़ा था। संकल्प लिया था उसने कि मैं झंडा गाड़ के रहूंगा। 29,538 फुट की हाइट की, जिसने माउंट एवरेस्ट को देखा तो हंसने लगा, कहता है माउंट एवरेस्ट तू कंकड़ पत्थर की बनी है, तेरी औकात नहीं तू इससे ज्यादा ऊंची जा सके, लेकिन मेरी टांगों में, मेरे हौसले में इतना दम है कि मैं तेरे पर झंडा गाड़ने के बावजूद भी ऊपर जाने की हिम्मत रखता हूं। और बस संकल्प लेना पड़ेगा, एक प्लान का, दो प्लान का, तीन प्लान का, पांच प्लान का, दस प्लान का, होम मीटिंग का, सेमिनार का, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको पूरे होशो हवास के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं कॉलेज नहीं गया। अगर किसी इंसान ने माउंट एवरेस्ट का सफर तय नहीं किया होता तो शायद चांद पर जाना सिर्फ एक ख्वाब ही होता। कहते ना छोटी चढ़ाई चढ़ोगे तभी बड़ी तक पहुंचोगे। संकल्प लो कि मैं डेली दो लोगों से मिलूंगा, मैं चार लोगों से मिलूंगा, फिर संकल्प को बड़ा करते जाओ। दोस्तों महाभारत कृष्ण ने वचन दिया था, वादा किया कि मैं जिस भी सेना के तरफ रहूंगा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। सब जानते हैं उसी टाइम भीष्म पितामह ने हंसते हुए कहा था, फिर तो गोविंद मेरा भी संकल्प है कि मैं तुमसे हथियार उठाकर रहूंगा। और इतिहास गवाह है, खुद भगवान को अपने दिए हुए वचन को तोड़ना पड़ा था और संकल्प के सामने हथियार उठाना पड़ा था। दोस्त अगर इंसान संकल्प ले ले तो दोस्त भगवान के सामने चलकर आता है। क्या कपड़े हैं लिंकन के पास? ढीले काले कपड़े, काली सी सूरत, फटी हुई जेब, पुरखों की गरीबी, है? दो चार दोस्त, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन एक इच्छा थी यार अपने समाज के लिए कुछ करना। किसी ने कहा इच्छा रखने मात्र से कुछ नहीं होगा अब्राहम लिंकन, उसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। और उसी टाइम संकल्प लिया कि आज के कवियों में घूमने वाला व्यक्ति, सपने देखने वाला व्यक्ति एक दिन व्हाइट हाउस में जाकर रुकेगा। और बस उसके संकल्प ने उस आदमी को अमेरिका का राष्ट्रपति बना के व्हाइट हाउस में जाकर उसको सम्मान किया गया था। ये होती है दृढ़ संकल्प की शक्ति। मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया एडमंड हलेरी के बारे में। इसी तरह की कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की। इच्छा नहीं थी, मात्र इच्छा नहीं थी कि बल्ब जगे, दृढ़ संकल्प लिया। अगर दृढ़ संकल्प ना लिया होता तो 9999 सफल नहीं होता। इच्छा होती तो इतने एक्सपेरिमेंट ही नहीं करता। अगर ये किए तो दृढ़ संकल्प की वजह से कि कितनी बार हराएगी तो मैं अगली बार फिर एक्सपेरिमेंट करूंगा। और लास्ट में बल्ब को जगना पड़ा था, लास्ट में बल्ब को जगना पड़ा था। दोस्त जितने भी इंसान जिंदगी में कामयाब हुए, चाहे वो थॉमस अल्वा एडिसन हो, धीरू भाई अंबानी हो, अमिताभ बच्चन हो, एडमंड हलेरी हो, या अब्राहम लिंकन हो, जो भी व्यक्ति कामयाब हुआ है उनकी कामयाबी में एक चीज कॉमन है, वो है संकल्प की शक्ति।
कहते मोहब्बत की हद है सितारों से आगे, मोहब्बत की हद है सितारों से आगे, प्यार का जहां है बहारों से आगे। और इन दीवानों की किस्ती जब बहने लगी, बहती बहती बह गई किनारों से आगे, किनारों से आगे। तो ये जो किनारे हैं ना, जिनकी वजह से सफलता किनारा करके बैठी है, सला इन्हीं किनारों को तो तोड़ना है अपने को। इसीलिए तो हम पृथ्वी पे आए हैं, यही संकल्प लेना है कि दुनिया हिला कर रख देंगे। दोस्तों लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन दोस्त आईने में देखना जो शख्स तुम्हारे लिए तुम्हें आईने में दिखाई, दो शख्स तुम्हें आईने में दिखाई दे वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी वादा करना है, संकल्प लेना है, वो अपने लिए लेना है। एक नास्तिक व्यक्ति था, किसी दिन साइकिल लेके निकला तो बहुत बड़ा पंडाल देखा, वहां देखा प्रवचन चल रहे हैं। वो उस पंडाल में पहुंच गया, धार्मिक गुरु बैठे हुए हैं, वो पता क्या बोल रहे हैं कि इंसान शिक्षित थे, जैसे राहुल जी ने एक बात कही थी कि शिक्षित से कुछ भी करो तुम, तुम्हें प्लान करना है प्लान ही करो, नहीं आता भरो छोड़ दो, प्लान ही करते रहो। एक दिन जिस दिन चुराहे पे मिलेगा कहीं आपकी गाड़ी देखकर, बोलेगा सर वहां छोड़ दो, उस टाइम फॉलोअप अपने आप हो जाएगा। प्लान दिखाना तुम्हारा काम है, फॉलोअप के लिए वो एकदम खुद चल जाएगा, तुम करो तो सही। शिद्दत, संत ने कहा शिद्दत से तुम कुछ भी करो, चाहे मोहब्बत करो या प्रेम करो, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। वो कहता है अगर मैं कोई चीज का संकल्प ले लूं तो क्या सफलता मिल जाएगी? कहता मेरी 55 साल की उम्र हो गई, अब तक तो साइकिल के अलावा कोई बाइक आई नहीं। कहता तूने संकल्प लिया, तू कुछ करने का संकल्प ले। कहता आप इस बात का वादा करो कि क्या संकल्प लेने से जिंदगी बदलती है? कहते यस बदलती है। उसी टाइम जल उठाया हाथ में लिया और कहा बाबा जी आज मैं आपके सामने ये गंगा जल हाथ में लेकर सुगंध खाता हूं, कसम लेता हूं कि सुबह उठने के बाद ना मुंह धोऊंगा, ना खाना खाऊंगा, ना ब्रश करूंगा, ना नहाऊंगा, ना कपड़े चेंज करूंगा, सबसे पहले सामने अपना पड़ोसी है चतर सिंह उसका मुंह देखूंगा, देखता हूं मुझे क्या मिलता है इससे। बोलता कब तक चलेगा संकल्प, कब तक लेना पड़ेगा? कहते जब तक तेरी जिंदगी नहीं बदल जाती, कतार से मेरा यही उद्देश्य है। अब दोस्त वो संकल्प लेके घर पे आता है, सुबह होती है 5 बजे उठता है, संकल्प याद आता है, पड़ोसी की दौड़ में बताता है, टिंगता हूं, पड़ोसी ने कहता अंदर से कुछ बोलता नहीं, पड़ोसी को तो पता ही नहीं है इसने पहले क्यों मारी। पड़ोसी का देखता है गुड मॉर्निंग, चला जाता है। उसके बाद वो ब्रश करता है, मुंह धोता है, चाय पीता है, नाश्ता करता है। ऐसा करते करते 3-4 महीने हो गए। कई बार जो सामने वाला चतर सिंह था वो कुम्हार था, तो कई बार अपने मटके बेचने के लिए वो शहर बाजार में भी निकल जाता था, 2-2 दिन नहीं आता था। तो 2-2 दिन नहीं आने के बावजूद वो भूखा प्यासा बिना ब्रश किए बैठा रहता था, क्योंकि संकल्प किया। अब क्या हुआ, मैंने कहा संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि इंसान को फिर भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान खुद चल के आता है। जैसे कृष्ण महाराज रथ से खुद उतर के चलकर विष्णु पितामह के पास गए थे, क्योंकि संकल्प विष्णु पितामह ने लिया। अब क्या हुआ कि ऐसे 3-4 महीने हो गए संकल्प लेके बैठा हुआ। अब उसको इतनी जल्दी रहती थी सुबह उठने की, जल्दी उठने लग गया, 7-8 बजे तक उठता नहीं था, संकल्प ने जल्दी उठाने शुरू कर दिया। कहीं वो चला ना जाए, गर्मी के दिन स्टार्ट होने वाले थे, वो कुम्हार था। एक दिन वो जल्दी उठा, अपने गधों को लेकर नदी के किनारे मिट्टी लेने के लिए गए। अब वहां गया तो मिट्टी की खुदाई करने लगा। जैसे उसने मिट्टी की खुदाई करनी शुरू की, 3-4 पावड़े मारे थे, 4 सोने की ईंटें निकल कर बाहर आई। वो तुरंत उनके ऊपर बैठ गया, कहता सरकारी जमीन है, ईंटें सरकार की जमीन से निकली है, अगर किसी को पता चला तो वो सारा धन जो भी मिला है, जो 4 सोने की है, सरकार ले जाएगी, मैं खाली का खाली। इतने में पड़ोसी को पता चला, मतलब कि मुझे तो उसका मुंह देखना है, गर्मी के दिन कहीं गिरना निकल जाए। वो जल्दी उठा, जल्दी उठा, लेकिन बैल मारी तो पड़ोसन ने कहा कि वो तो नदी किनारे गए। अब ये फटाफट बांधी धोती निकल गया नदी किनारे। अब इसको देखा इनके ऊपर बैठा हुआ है, जैसे इसको चतर सिंह
मेरा काम हो गया है, ऐसा बोल के वापस जाने लगा। तो चौथा सिंह कहता है, रुक तो सही। बोले क्या? अरे बोले नहीं आता, मैं जिस काम के लिए आया था मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। चौथा सिंह ने आवाज दी, ओ भाई थोड़ा रुक तो जा, बात तो सुन। बोले मैंने सुन ली। कहता अपना हिस्सा तो लेते जा। कौन सा हिस्सा बताइए जरा? बताना मत सरकारी के लिए ना, चार सोने की ईटा निकली है, दो तू रख दो मैं अपने दोस्त संकल्प एक आदमी ने लिया, लेकिन आज अमीर दो हो गए। उसी समय जमीन ने गिरा, भगवान को याद किया कि वाह संकल्प में इतनी शक्ति होती है, तुम शिद्दत से कुछ भी करो तुम्हें कामयाबी अवश्य मिलेगी। संकल्प लेना पड़ेगा, क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है? तैयार है आप? तैयार हैं आप? तैयार हैं? पीछे से, पीछे, 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 फ्रंट से, सब लोग और यूजर। दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि लाख मुश्किलें करने पैदा ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी, संकल्प से भरी उड़ान तुझे शिखर तक लेके जाएगी। अरे मरने के बाद लिखे जाते हैं चंद लोगों के इतिहास में नाम, तेरी हस्ती जीते जी एक नया इतिहास बनाएगी, एक नया